हमारे अधिकांश जीवन में मोबाइल एक बुनियादी जरूरत बन गया है। लोग कॉल करने, फोटो खींचने, सोशल मीडिया, गेम खेलने और दूसरे कई कामों के लिए हर रोज कॉल फोन का उपयोग करते हैं। आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे बड़ी स्मार्टफोन मेकर कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि स्मार्ट निर्माता कंपनियों में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आपका अपना सूरज कुमार, वर्ल्ड की नॉलेज में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10 पर आता है सोनी। सोनी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। सोनी मोबाइल का ओनरशिप सोनी कॉर्पोरेशन के पास है, जो वीडियो, ऑडियो और कम्युनिकेशन डिवाइस में लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक और मनोरंजन कंपनियों में से एक है। इस कंपनी के पास एक्सपीरिया स्मार्टफोन और टैबलेट है, जिसमें किसी भी अन्य फोन की तुलना में बहुत ही स्टैंड आउट डिजाइनिंग, पावरफुल प्रदर्शन और बेहतर ब्रांड मोबाइल प्रोडक्ट है। नंबर 9 पर आता है LG। LG दुनिया के सबसे पुरानी मोबाइल कंपनियों में से एक है। इस कंपनी के पास बेसिक सेल फोन और स्मार्टफोन दोनों ही उपलब्ध हैं। इसके फोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संचालित होते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर और ऑक्टा कोर जैसे प्रोसेसर होते हैं। नंबर 8 पर आता है लेनोवो। लेनोवो ने 2011 में स्मार्टफोन के मोटोरोला इंक के डिवीजन का टेक ओवर किया और आज लेनोवो ब्रांड दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड में से एक बन गया है। इसके कुछ सीरीज और मॉडल P सीरीज लेनोवो P2, K सीरीज लेनोवो K6, नोट पावर, Z सीरीज Z2 प्लस और A सीरीज काफी पॉपुलर है। नंबर 7 पर आता है साउमी। साउमी कंपनी की स्थापना 2010 में हुई थी और आज यह दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली स्मार्टफोन कंपनियों में से एक है। साउमी एक और चीन स्मार्टफोन कंपनी है, जो इस समय भारतीय बाजार के अलावा दुनिया भर में दबदबा कायम किए हुए है। आज के समय में कंपनी ने अपने बाजारों भारत, ताइवान, ब्राजील, सिंगापुर, हांगकांग, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया में 62 मिलियन से भी अधिक हैंडसेट बेचे हैं। नंबर 6 पर आता है वन प्लस। यह भी चीन की कंपनी है, जो इस लिस्ट में 6वें नंबर पर है। वन प्लस स्मार्टफोन कंपनी दुनिया की सबसे कम उम्र की मोबाइल फोन कंपनियों में से एक है। इस कंपनी ने हाल ही में अपने वन प्लस 3 स्मार्टफोन का नया वर्जन वन प्लस 3T लॉन्च किया है। यह कंपनी अपने ग्राहकों के लिए फोन पर बहुत कम कीमत पर अच्छे फीचर प्रदान करती है, इसी वजह से यह कंपनी लोगों की पसंदीदा कंपनी है। नंबर 5 पर आता है वीवो। 2009 में स्थापित चीनी स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर पेरिफेरल्स निर्माण करने वाली कंपनी है। वीवो ने थोड़े समय में ही कुछ बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली और आज ये दुनिया के सबसे तेजी से बनने वाली मोबाइल ब्रांडों में से एक है। वीवो आज स्मार्टफोन बाजार में 6% हिस्सेदारी रखता है। इसके कुछ प्रोडक्ट X7 सीरीज वाले जो बहुत ही महंगे फोन है। वीवो और ओप्पो एक ही पेरेंट कंपनी VVK इंटरनेशनल के तहत आते हैं। नंबर 4 पर आता है ओप्पो। यह एक और चीन स्मार्टफोन कंपनी टॉप लिस्ट में शामिल है, जो इस लिस्ट में 4थे नंबर पर आता है। ओप्पो बहुत कम समय में दुनिया की टॉप मोबाइल कंपनियों में शामिल हुआ है। इसने चीन के बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों जैसे अफ्रीका, भारत, दक्षिणी पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका मार्केट शेयर 8% है। नंबर 3 पर आता है हुआई। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हुआई दुनिया की 3rd सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है। इस समय इस कंपनी का शेयर मार्केट कुल 14% है। ओप्पो, वीवो, जियोनी की कड़ी कंपटीशन के बावजूद यह दूसरों के बीच 3rd स्थान पर अपने डोमिनेशन को बनाए रखने में सफल रहा है। इसका टॉप में लगाने का सबसे ज्यादा योगदान कंपनी के मिड रेंज और हाई एंड स्मार्टफोन कर रहा है। इन दो सेगमेंट से ही कंपनी की 57.2% बिक्री हुई है। नंबर 2 पर आता है एप्पल। अपने आईफोन के लिए जानने वाली कंपनी एप्पल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है। 2021 के अंत तक इसका मार्केट शेयर 14% था। एप्पल ने आईफोन और मैक जैसे ब्रांड के माध्यम से अपना नाम बनाया है। इस कंपनी की स्थापना 1976 में स्टीव जॉब्स, रोनाल्डो वैन और स्टीव वॉजनियाक द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, नंबर 1 की तरफ बनने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे चैनल वर्ल्ड की नॉलेज में वर्ल्ड में टॉप 10 में आने वाली चीजों के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, आप वर्ल्ड की नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आता है सैमसंग। दक्षिणी कोरिया कंपनी सैमसंग इस समय मोबाइल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी है। साल 2021 के अंत तक कंपनी का शेयर 19-20% था। वर्तमान में सैमसंग दुनिया भर में स्मार्टफोन बाजार में सटीक रूप से राज है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 23% है। 2021 में एप्पल ने सैमसंग सिंहासन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद सैमसंग फिर से नंबर 1 पर आ गया। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।